हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर बायो लैब। आज हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। तो ये हमने लिया है चाइना रोज़ और इसके पार्ट्स को हम देखते हैं। तो नीचे से हम शुरुआत करते हैं। ये क्या कहलाता है? अपना पेडिसिल, यानी इसका डंठल। फिर उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का कवर है इसका, और इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, यानी इसकी बाहर की जो ग्रीन वाली जो ये पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो सेपरेटली हम बोलेंगे हर एक जो पंखुड़ी है, यहाँ पर अभी हम इसको एक एक को अलग करेंगे। तो ये जो अपनी ग्रीन वाली जो इंडिविजुअल पंखुड़ी हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे सीपल। और इसके बाद ये जो आपको कलरफुल दिखाई दे रही है, 1, 2, 3, 4, 5 जो इसके अंदर पंखुड़ियाँ हैं, इनको हम बोलेंगे पेटल। और ये जो अपनी पेटल है, पांचों को हम एक साथ बोलेंगे कोरोला। तो और इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये वाला जो पार्ट्स है, जो दाने दाने जिसमें निकल रहे हैं, ये कहलाता है अपना स्टेमेन। और ये मेल पार्ट्स होता है, और ये जो मेल पार्ट है, ये भी जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। तो पहला वाला जो पार्ट्स है, इसके अंदर फिलामेंट देख पा रहे हैं, ये जो पतली सी जो लाइन है, ये कहलाती है फिलामेंट। और इसके ऊपर ये जो गोल गोल है, ये कहलाता है अपना एंथर। और एंथर के ऊपर होते हैं अपने पोलन ग्रेन्स। तो ये मेल पार्ट्स होता है। और फिर इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, ये जो बीच में जो लाइन आ रही है, और बीच में जो ये ट्यूब है, और यहाँ ऊपर से लेकर के यहाँ नीचे तक, ये कहलाता है अपना फीमेल पार्ट। इसको हम बोलते हैं पिस्टल। और इसके भी क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, अभी हम एक एक को देखेंगे। तो ऊपर वाला कहलाता है स्टिग्मा, और बीच में अपना होता है स्टाइल, इसके अंदर होती है अपनी पोलन ट्यूब, और लास्ट में नीचे होती है अपनी ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। तो हम हर एक को अलग अलग देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको अपना जो पंखुड़ियाँ है, यानी अपना पीटल है, इसको हम हटा देते हैं। तो टोटली अपने पास कितने पीटल है, तो 5 पीटल है। तो इस तरह से हम इसके निकाल देते हैं पांचों को, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 अपने पास क्या है, पीटल है। और इन 5 को हम क्या कहते हैं, एक साथ बोलेंगे हम कोरोला। और इसके बाद ये जो अपनों को ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, सेपल है। हर एक को हम बोलेंगे सेपल, और सभी को हम बोलेंगे कैलिक्स। तो कैलिक्स को हम अलग कर लेते हैं यहाँ से। फोरसेप की हेल्प से हम इसको अलग करते हैं। तो देख पा रहे हैं, ये अपने पास है कैलिक्स, और इसके अंदर सीपल है, 1, 2, 3, 4, 5 सीपल है, और इनको हम एक साथ बोलते हैं। तो ये बन जाता है अपना कैलिक्स। और अब अपने पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं मेल पार्ट्स। तो इसके अंदर अपना क्या है, ये स्टिमेन। और स्टिमेन कौन सा है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप अच्छे से। तो ये जो अपने पास है स्टिमेन है, ये स्टिमेन, ये सभी स्टिमेन है। और इसके अंदर अपना ये है अपना फिलामेंट, जो अपनी ये जो पतली सी लाइन फिलामेंट, और उसके ऊपर ये लगा हुआ अपना एंथर, ये गोल गोल, और इसके ऊपर अपने होते हैं पोलन ग्रेन्स। जब हम इसको इस तरह से यहाँ लेते हैं, तो अपने पास एंथर, और इसको जब हम इस तरह से दबाते हैं, तो अपने पास पार्ट पाउडर टाइप दाने दाने महसूस होते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये अपने पोलन ग्रेन्स है, इस तरह से अपने डस्ट की तरह होते हैं ये। और इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। और अब देख पा रहे हैं पोलन ग्रेन्स के बाद अपना फीमेल पार्ट आता है अपना पिस्टिल। और पिस्टिल होता है अपना यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ओवरी तक। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो पार्ट होता है, स्टिग्मा होता है ये वाला, बीच में जो देख पा रहे हैं ये। और स्टिग्मा इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि ये क्या होता है, चिपचिपा होता है, मतलब थोड़ा स्टाइकी होता है। और यहाँ से जो अपने पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर के ऊपर से, जब कोई कीट वगैरह आते हैं, तो तितली वगैरह, वो क्या करती है पोलन ग्रेन्स को
स्टिग्मा तक पहुंचा देती है, जिससे क्या होता है जर्मिनेशन होता है और फिर अपना जो यहाँ से फ्रूट वगैरह बनते हैं, जो अपना फ्लेवर है वो फ्रूट में आगे कन्वर्ट होता है जर्मिनेशन होने के बाद। तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा अपना स्टिग्मा, और स्टिग्मा के बाद क्या होता है नीचे जो स्टाइल होती है ये अपनी स्टाइल है, और नीचे लास्ट में अपनी होती है ओवरी, और उसके अंदर ओव्यूल हमें देखने हैं। तो अगर हम इसको हटाएं तो ये अपने पास मेल पार्ट देख पा रहे हैं इस तरह। इनको हम रख लेते हैं वाच ग्लास में, तो ये हमारे मेल पार्ट्स। देख पा रहे हैं इस तरह से ये हमारे पास पोलन ट्यूब आ गई है, और ये लास्ट में अपनी है ओवरी, इसको हम हटा देते हैं स्टाइल को। तो इस तरह से ये हमें दिखाई दे रही ओवरी, और इस ओवरी का क्या करना है हमें पीएस काटना है। तो इसके अंदर क्या निकलेंगे ओव्यूल्स निकलेंगे, तो हम ब्लेड की हेल्प से इसको कट करते हैं। तो इस तरह से हम इसका टीएस कट कर रहे हैं, तो देख पा रहे हैं इसके अंदर ओविल्स काफ़ी सारे हमें दिखाई दे रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ये हमारे फिंगर्स पे आ जाएंगे इस तरह से। देख पा रहे हैं काफ़ी सारे ओविल्स नेल्स पे आ गए हैं, तो ये ओविल्स होते हैं इस तरह से ओवरी और ओविल्स हमने देखा, टीएस को भी हमने काटा। तो ये हमने इस तरह से सिंपली पार्ट्स ऑफ फ्लेवर को समझा, आराम से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।